सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी संजय भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स में। थैंक यू। सर, दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली पुलिस का जो मानवीय चेहरा इस बीच में सामने आया है, दिल्ली पुलिस के कई जवान खुद बीमार होकर, खुद कोरोना से संक्रमित होकर दिल्ली के लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मुकेश, मैं यही कहना चाहूंगा सभी दिल्ली वासियों को और खासकर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के निवासियों जी को कि जो लॉकडाउन की गाइडलाइंस हैं और रूल रेगुलेशन है सरकार की तरफ से, जी उनका पूर्णतः पालन करें और कोशिश करें घर पे ही रहें, जी बाहर ना निकलें जब तक कोई आवश्यक काम ना हो। और जो भी गाइडलाइंस आई हैं हाइजीन की, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, जी सैनिटाइजेशन करना हाथों को, और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, जी ये सारी चीजों का पालन करते हुए पूरी जो एक मुहिम चल रही है कोरोना वायरस के संक्रमण को तोड़ने की, जी उस चेन को तोड़ने में सभी की मदद करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पे रहें और सभी की मदद करें। सर, कुछ लोग बेवजह भी निकल रहे हैं जिनके आप लोग चालान भी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये संकट का समय है, ऐसे में लोगों को मिलजुल कर लड़ना चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, बहुत जरूरी काम ना हो तो रोड पे नजर ना आए? मुकेश, यही जो स्पिरिट है, क्योंकि जी अभी तक जितनी भी स्टडी हुई है यही देखा गया है कि इस महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जी और दूरी बना के रखना और भीड़ ना बनाना, यही एक मेजर इसका एक कारगर इलाज है। इसके जी लिए सभी को यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि घर से बाहर तभी निकलें जब तक बहुत आवश्यक काम हो, अन्यथा घर पे ही रहें, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और लॉकडाउन की जो तमाम गाइडलाइन है सरकार की तरफ से उसका जी पालन करें। सर, आपके पास जो इलाका है इसमें से कुछ मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं और रमजान का महीना भी शुरू हो रहा है, ऐसे में आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है घर के अंदर ही नमाज करें और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, जो आपकी पूजा पाठ है घर के अंदर ही करें, आप लोगों की क्या तैयारी है इस पे? हमारी तरफ से भी और तमाम रिलीजियस लीडर्स की तरफ से भी यही अपील की गई है कि जो भी रिलीजियस सेरेमनी है वो घर पे रह के ही परफॉर्म करें और रिलीजियस प्लेसेस पर जाकर भीड़ को ना बढ़ाएं। और ये मैंने देखा है कि इस बात को माना भी जा रहा है, अभी जी तक पीछे पिछले कुछ दिनों में तमाम रिलीजियस प्लेसेस पर हमने ये ऑब्जर्व किया है कि खाली है, कोई ऐसी विजिटर्स नहीं है और लोग जो भी रिलीजियस सेरेमनीज हैं किसी भी तरह की वो घर पे रह के ही कर रहे हैं। एक सर, आपके कुछ सहयोगी जो हैं पुलिसकर्मियों बीमार भी हुए इस दौरान, तो आपको लगता है कि क्या वो लोग खुद कोई सुरक्षा का कोई मानक तय नहीं कर पा रहे, या फिर इतने ज्यादा मानव भाव उनके अंदर है कि वो अपना ख्याल नहीं रख पा रहे इसलिए संक्रमित हो रहे हैं? इसमें क्योंकि कुछ दो पुलिस स्टेशन के एरियाज में कंटेनमेंट जोन है तो हाँ जी वो फ्रंट लाइन पे हमारा स्टाफ काम कर रहा है, ये कहना मुश्किल है कि वो कैसे संक्रमित हुए, पर हमने कंटेनमेंट जोन में पीपीई किट्स और मास्क और ग्लव्स और तमाम तरह की सैनिटाइजेशन की जो प्रावधान है वो किए हुए थे। इसकी विवेचना की जा रही है कि ये कैसे संक्रमित हुए, बट अभी ठीक हैं, सभी के सभी खुश हैं और असिम्टोमेटिक हैं और हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और बाकी लोग जो इनके संपर्क में है वो क्वारंटाइन है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है और जी तमाम अभी बिल्कुल ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल, होम मिनिस्ट्री ने भी तारीफ की है दिल्ली पुलिस के कामों को लेकर और दिल्ली के लोगों ने भी दिल्ली पुलिस का एक मानवीय चेहरा देखा है। अक्सर कहा जाता था कि दिल्ली पुलिस सिर्फ कानून के दायरे में रह के काम करती है, लेकिन अब देखा गया आप लोग खाना भी खिला रहे हैं, बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी को जरूरत है तो आप उस तक दवाई भी पहुंचा रहे हैं, तो सर ये सब क्या आपकी ड्यूटी का पार्ट्स है, या फिर जब इस तरह का डिजास्टर आता है तो आप लोग खुद को इस तरह से ढाल लेते हैं? ये तो समय की पुकार है, जी जैसी डिमांड है सोसाइटी की, जैसी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट है, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने अपने आप के चेहरे को एक मानवीय चेहरे के रूप में बदल लिया है और तमाम तरह के काम जो हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटीज में आते हैं या नहीं आते, हम चाहते हैं कि तमाम जो जनता है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं वो जी स्पेसिफिकली और दिल्ली के निवासी जनरल सभी खुश रहें, दिक्कत में ना रहें, किसी मुसीबत में ना रहें और किसी भी तरह की अगर कोई परेशानी है, कोई कठिनाई है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तत्पर है, हाजिर है, किसी भी तरह की मदद, चाहे वो खाना खिलाने वाली हो जी या हॉस्पिटल पहुंचाने वाली हो
या कोई और भी कहीं कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई दवाई किसी को पहुंचानी हो, हर तरह का काम दिल्ली पुलिस कर रही है। और मैं भी देख रहा हूँ, मीडिया भी देख रहा है, सभी लोग इस चीज की तारीफ भी कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस बढ़ चढ़ के जो दिल्ली के निवासी हैं उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बातचीत की नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप से। धन्यवाद सर आपका।